दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि 2024। 2024 में कुंभ राशि के जातिकाओं के साथ में, यानी कुंभ राशि वालों के साथ में कौन सी वह 11 बातें हैं, 11 भविष्यवाणी हैं जो सत्य साबित होकर रहेंगी। हम जानेंगे इस वीडियो में कि कुंभ राशि के साथ में वो कौन सी घटनाएँ हैं जो सत्य साबित होकर के ही रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कुछ विशेष स्थितियों की गणना करके आपको हम ये विशेष बातें बता रहे हैं जो आपके साथ में किस डेट में, किस महीने में क्या होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। कुछ विशेष भविष्यवाणी की डेट और महीने बताएंगे, कुछ को पूरे साल में ही देखा जाएगा। तो आपको आइए बताते हैं कि किस प्रकार से आपके साथ में ये घटित होने वाली है और कौन सी ये बड़ी भविष्यवाणी है जो आपके साथ सत्य साबित होकर के ही रहेंगी। बस ये जानकारी चंद्र राशि यानी मून साइन कुंडली वाली राशि के अनुसार है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि कुंभ राशि वालों, आपके कार्य बहुत ज़्यादा विलम्ब से होंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपके कार्य लगभग विलम्ब से चल रहे हैं, प्रत्येक कार्य में विलम्ब हो रहा है। अब ये चीज़ें और ज़्यादा आपको मई के महीने में परेशान करेंगी, या फिर ये कह लो कि अप्रैल के लास्ट तक परेशान करेंगी, मई के कुछ दिन, लेकिन फिर स्थितियाँ थोड़ी सी नॉर्मल होंगी। लेकिन आपको जनवरी से मई तक के बीच में जो प्रॉब्लम करने वाले हैं शनिदेव, ये कार्य विलंब में, वहाँ पे आपको बड़े ही अपने ऊपर दया आएगी, बहुत तकलीफ होगी आपको और बहुत झटपटाहट होगी कि कार्य क्यों नहीं तेजी से हो रहे हैं। इससे इस साल के शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरी भविष्यवाणी है कि आपके अप्रैल में विवाह का भी योग बन रहा है, तो आपका विवाह हो सकता है अप्रैल में, प्रबल संभावना है। अगर आपकी कुंडली में अभी वर्तमान में सप्तमेश, नवमेश या द्वितीयेश की महादशा चल रही है या अंतरदशा भी चल रही है, राहु की महादशा नहीं है, तब आपका विवाह होना तय है अप्रैल के महीने में। तीसरी भविष्यवाणी है, आपको धोखा देने वाला, आपको चीट करने वाला, आपको छोड़ देने वाला फिर से वापस आएगा, आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा और वापस आकर के आपके सामने उसका बहुत ही ज़्यादा, ये पूरे साल में कभी भी हो सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा फरवरी का और मई का महीना ऐसा बनता है जिसमें ये संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी कि वो एकदम से ऐसा दिखाएगा कि आपको भी तरस आ जाएगा और उससे आप बात कर लेंगे। चौथी भविष्यवाणी की बात करते हैं। चौथी भविष्यवाणी है, राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा पद मिलेगा, कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको अगर चुनाव इत्यादि होते हैं इस 2024 में, हर प्रकार से विजय मिलने वाली है। अगर कहीं से टिकट चाहिए तो वो मिल जाएगा, या फिर अपना कोई अच्छा वर्चस्व है राजनीति में तो बड़ा पद मिल जाए जिसकी ख्वाहिश है मन में। बात करेंगे पांचवी भविष्यवाणी की। पांचवी भविष्यवाणी है कि आपको शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में मई के महीने में एक जबरदस्त लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ जो आपके पूरे साल को खुशहाल बना दे। बात करेंगे छठवी भविष्यवाणी की। छठवी भविष्यवाणी है, दिसंबर के महीने में बाल बाल बचेंगे किसी बड़ी दुर्घटना से, मतलब खतरा टल जाएगा, लेकिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि बहुत ही नज़दीक से आपने बहुत बड़ी दुर्घटना देख ली जो आपके पुण्य ने आपको बचा लिया। अब बात करते हैं सातवीं भविष्यवाणी। सातवीं भविष्यवाणी है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो आपके पार्टनर का व्यवहार खराब हो चुका था वो अच्छा होने लगेगा। जो पार्टनर आपका छोड़कर चला गया था, जिसके साथ डिवोर्स इत्यादि हो रहा था, मतलब चीज़ें बहुत हद तक बदलेंगी, सुधरेंगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और चीज़ें काफ़ी सुधरती हुई नज़र आएंगी मैरिड लाइफ में। और ये साल के बीच में कभी भी हो सकता है, जून से सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। अब बात करते हैं आठवीं भविष्यवाणी की। आठवीं भविष्यवाणी है, अगर आप इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं, जादूगर हैं, कॉमेडियन हैं या फिर एंटरटेनमेंट के फील्ड से हैं, तो वहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। वैसे तो पूरा साल ही लाभकारी रहेगा लेकिन बहुत बड़ा लाभ और धन लाभ आपका
खास करके सितंबर के महीने में या फिर सितंबर से पहले अगस्त से ही शुरू हो जाएगा, जो बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा आपको, जो आपके करियर में एक चार चांद लगा देगा। बात करते हैं नौवीं भविष्यवाणी। नौवीं भविष्यवाणी है जून के महीने में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, चाहे वो घरेलू हो चाहे कोई हो, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसके लिए आप तैयार ना हो, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जाए जून के महीने में, ये हो सकता है। दसवीं भविष्यवाणी की बात करें तो दसवीं भविष्यवाणी है डॉक्टर या मेडिकल क्षेत्र से संबंधित, डॉक्टर इत्यादि चाहे वो किसी भी तरीके के डॉक्टर हो, मेडिकल से संबंधित हो, तो आपका काम बहुत बड़ा, आपके इस काम में बहुत बड़ा लाभ देखने को आपको मिलने वाला है, जो आपके लिए आपके क्षेत्र के लिए एक बड़ा वर्चस्व लेकर आएगा। और आप हो सकता है कि इस क्षेत्र में इतना नाम और शोहरत पैसा सब कुछ कमाएं जो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करते। बात करते हैं अंतिम यानी ग्यारहवीं भविष्यवाणी की। ग्यारहवीं भविष्यवाणी जो सबसे ज़्यादा खास है कि आपको ये वर्ष एक बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए एक बहुत बड़ा वरदान दे रहा है। तो आपकी इच्छा पूर्ति, कोई बड़ी इच्छा जो सालों से आप इंतजार कर रहे थे कि ये पद मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, जो काम करने का बहुत प्रयास कर चुके हैं और हर दम असफल रहे हैं, कहीं ना कहीं 90% 70% 80% काम होने के बाद में असफलता मिली है, आपका वो बड़ा काम होगा, आपकी वो बड़ी इच्छा पूरी होगी। कुंडली में अगर शनि की महादशा चल रही है और शनि आपकी कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में पंचमेश बनते हैं या पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपके साथ ये जरूर होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आपकी 2024 में 11 भविष्यवाणी की, 11 भविष्यवाणी जो आपके साथ सत्य साबित होकर रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक से रिकमेंड जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहते हैं। मासिक राशिफल में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।